प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े इसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। इनको भी मटकी फोड़नी है। वो बाहर जो टेम्पो खड़ा है वो किसका है? ओ साहब हमारा है, हम लोग हंडी फोड़ने आए ना। इंस्पेक्टर साहब, ये कोर्ट वाले भाई साहब को समझाइए, कब से हम इनका समझा रहे समझ ही नहीं रहे, जीत कर रहे कि हंडी हम ही फोड़ेंगे। नहीं 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 भाई साहब, वो जीत नहीं कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे। आप लोगों को हंडी फोड़ना है तो फोड़ो ना, हमें तो सिर्फ हंडी का प्रसाद चाहिए। हम लोग यहाँ खड़े रह के हंडी देख सकते हैं ना, मतलब उसकी तो परमिशन है ना। अब भाई ऊंट पहाड़ के नीचे। हाँ हाँ, एज ए सेक्रेटरी मैं परमिशन देता हूँ। तुम लोग कौन है आप लोग और कहाँ से आए? सावंतवाड़ी से। सावंतवाड़ी से। तलाशी लो इन सबकी। आजकल टाइम ही ऐसा है, किसी पे कोई भरोसा कर ही नहीं सकते भाई। सर कुछ नहीं मिला। ठीक है हम लोग चलते हैं, लेकिन आप लोग को किसी पर कोई डाउट हो तो हमें तुरंत इन्फॉर्म करिएगा। हाँ, जरूर जरूर। अब इंस्पेक्टर साहब मैं क्या कहता हूँ, ये सोसाइटी का जो मेन गेट है ना वो बंद कर दीजिए, कोई अनजान आदमी आएगा ही नहीं। Who are they deciding to get closing? Yes, ऊपर से माय दुकान आउटस्टैंडिंग। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब एक मिनट, गेट बंद कर देंगे मतलब हमारे पहचान वाले आसपास के सोसाइटी वाले अंदर कैसे आएंगे? अरे भीड़े गेट ही बंद करने का बोल रहे ना, दीवार चुनवाने का थोड़ी बोल रहे, पहचान वाले को तो हम आने देंगे ना। लेकिन पहचान वाला है कि नहीं ये वो देखने के लिए गेट पे खड़ा कौन रहेगा? अय्यर भाई है, मैं जो रखवाली करेगा, मेरे को इधर एंजॉय करने का है। तो पोपटलाल? नहीं नहीं मैं क्यों? अरे भाई तुम्हारा ऐसा वट पड़ता है ना, ऐसा रुआ बे हो, क्या बोलते हो, रुपता रुतबा? हाँ वही वही वही। नहीं नहीं वो तो है जेठालाल, लेकिन फिर मेरा यहाँ रहना ज्यादा जरूरी है। तो फिर अभी भाई सबसे लेट ओ मेंटेनेंस कौन देता है? शर्मा जी। हाँ तो उनको भेजो। वो तो यहाँ पे नहीं है, उनका बेटा यहाँ पे है, ये रहा राहुल। आता उसको भेजो भाई। हाँ राहुल। अंकल पापा आते ही मैं चेक भिजवाता हूँ। नहीं वो तो तुम भिजवा ही दोगे, मैं ये बोल रहा हूँ कि गेट पे जाके खड़े रहो, सिर्फ पहचान वालों को ही अंदर आने देना। चलो भाई दया आईडी फोड़ते आजा।
वाह, ये लोग हमारी दहेली में कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। अरे बबीता जी, क्या है, वो बेचारे प्रसाद के लिए दही हांडी फोड़ना चाहते थे, लेकिन दही हांडी फोड़ने का चांस तो मिला नहीं, तो ऐसे वू करके अब प्रसाद दे रहे हैं। ये लोग टाइम पास कर रहे हैं। मंगलसूत्र, वक्त बीतता जा रहा है, मुझे 3 बजे तक किसी भी हालत में डायमंड लेके एयरपोर्ट पहुंचना है। 6 बजे की मेरी अफ्रीका की फ्लाइट है, वहाँ पार्टी वेट कर रही है मेरा यार, कि ये लोग टाइम पास कर रहे हैं। अरे भाई, जन्माष्टमी का दिन है, दरवाजा खोलो। कैमरा सेटिंग जल्दी यहाँ पर। नमस्कार दोस्तों, कल तक न्यूज से मैं रीटा रिपोर्टर। दोस्तों, आज हम और आप मिलकर मनाएंगे कृष्ण जन्माष्टमी गोकुलधाम सोसाइटी में। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ लाइव दही हांडी प्रोग्राम। जैसा कि आपको पता ही है कि गोकुलधाम सोसाइटी में हर त्योहार बहुत ही उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। जरा देखिए तो इस मनभावन मटकी को कितनी ऊंचाई पर लटकाया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, गोकुलधाम वासियों में बहुत उत्साह है इस मटकी को लेकर। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि इस समय गोकुलधाम वासी पिरामिड बना रहे हैं। बॉस, आप कुछ गड़बड़ मत करना, प्रेस वाले भी आ गए और साथ में कैमरा भी है। चलो 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 बेटा, जल्दी ऊपर चढ़ो। चलो चलो, सब लोग जल्दी ऊपर चढ़ो और मटकी फोड़ो, चलो जल्दी। अरे मटकी तक पहुंचो और फोड़ो, मटकी फोड़ो। ए टोपी, शांति से खड़ा रहो, शांति से खड़ा रहो। और बेटा और ऊपर जा। वेरी गुड बेटा। अरे नाचना बंद करो और मटकी फोड़ो जल्दी। कब पिरामिड बनेगा, कब मटकी फूटेगी, कब मेरा हीरा मिलेगा, कब मैं अफ्रीका जाऊंगा, क्या हो रहा है ये? हमारा छोटा नन्ना बाल गोपाल मटकी तो नहीं फोड़ पाया, लेकिन गोकुलधाम वासी बहुत ही एक्साइटेड है क्योंकि एक बार फिर पिरामिड बनेगा और लोग उसी जोश के साथ ऊपर चढ़ेंगे मटकी फोड़ने के लिए। देखते हैं इस बार गोकुलधाम वासी मटकी फोड़ पाते हैं कि नहीं।
गोगी 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 देखो अभी कॉन्सेंट्रेट करो और आराम से स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाओ और आराम से हंडी फोड़ो, जल्दबाजी मत करना। एक मिनट तुम जरा जाओ दिखाओ ऊपर चढ़ के। मास्टर जी ट्यूशन देखो, ट्यूशन दो एक बच्चे को। ऐसे ही बोल रहा था वो, बार बार गिर रहा है ना। मेरे पढ़ना नहीं है चढ़ना है। बस एक बार मैं ट्राई मारता हूँ, हवा की तरह जाऊंगा और तूफान की तरह आऊंगा और हीरा अपने हाथ में लाऊंगा। वेरी गुड, जा। बस आशीर्वाद दो विजय बाबा। दोस्तों दही हांडी फोड़ने के लिए यहाँ पर पिरामिड बनना शुरू हो गया है। देखते हैं इस बार वो दही हांडी तोड़ पाएंगे कि नहीं। बॉस इस बार तो मैं कोली की तरह जाऊंगा, मटकी फोड़ के आऊंगा और हीरा लेके भाग जाऊंगा। वो आपके पास आऊंगा। ठीक है जा। अब जा। आशीर्वाद विजय पव। जा बच्चा किसका है? अपने पास रखो उसको, पकड़ के बार बार बीच में घुस रहा है। बच्चा को संभालो उधर, उसको बांध के रखो वहाँ पे। अय्यर भाई दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिर से एक बार पिरामिड बन रहा है। बाहर निकलो, बाहर निकलो। यार यार भाई क्या मतलब ही नहीं है इसका। चलो भाई इसको, अभी ये है तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इसको अपनी मम्मी के पास ही छोड़ के आना चाहिए था। है कहाँ इसकी मम्मी? दही हांडी फोड़ने गई है। कोई बात नहीं बेटा, तो थोड़ा दूर से शांति से खड़ा रह के देखो बेटा। इधर बीच में घुसो मत, ये लोग का सब हिल जाते हैं पूरा सेटिंग बेटिंग सब। बार बार ऐसे मनु संस्कार नहीं दिया क्या? मंगलसूत्र, वक्त बीतता जा रहा है। बॉस इस बार मटकी नहीं फूटी तो? तो मैं फोड़ दूंगा। सबको बोल तैयार है। ओके बॉस। लगता है बॉस पहले मेले में फुग्गे फोड़ते थे, इसलिए सिर्फ फुग्गा फूटा।
का बाल गोपाल मटकी नहीं फोड़ पाया, लेकिन कोई बात नहीं, पिरामिड एक बार फिर बनेगा और नन्ना बाल गोपाल मटकी फोड़ने के लिए एक बार फिर से ऊपर चढ़ेगा। दोस्तों, जिस घड़ी का इंतजार था अंततः वो घड़ी आ ही गई। करोड़ों रुपए की मटकी फूट गई गोकुलधाम में, और यहाँ इस वक्त गोकुलधाम के निवासियों के चेहरे पे करोड़ों रुपए की खुशी है, तो दूसरी ओर करोड़ों रुपए का लालच है गुंडों के चेहरे पे। और सबसे बड़ा करोड़ों रुपए का सवाल इस वक्त ये है कि क्या इस 12 करोड़ के हीरे को ढूंढ के ले जाने में कामयाब हो पाएंगे गुंडे, या फिर इस नायाब हीरे का पता चलेगा गोकुलधाम के निवासियों को। जिस तरह से इस वक्त हिंदुस्तान की जनता एक भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था ढूंढ रही है, ठीक उसी तरह से हीरा यहाँ ढूंढा जाएगा। लेकिन किसे मिलेगा सबसे पहले ये हीरा, 12 करोड़ का सवाल है, इसलिए कोई ऑप्शन नहीं। और आपके पास हंसने के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं, बस देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।